खरगोन में किसानों को आसानी से बीटी कॉटन बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि मंडी में की गई व्यवस्था गुरुवार को अव्यवस्था में तब्दील हो गई। बीज की आस में सुबह 5 बजे से किसान मंडी पहुंचने लगे। हालांकि प्रशासन ने बुधवार देर रात बीज की कमी बताते हुए 2 दिन बाद वितरण की सूचना जारी की थी, लेकिन किसानों तक यह सूचना नहीं पहुँच पाई और सैकड़ों की संख्या में किसान बीज लेने मंडी पहुँच गए। यहाँ सुबह 9 बजे तक 1000 से अधिक महिला पुरुष धूप के बीच टोकन पाने खड़े हो गए। 9 बजे पहुंचे कर्मचारियों ने जैसे ही टोकन वितरण नहीं होने की सूचना दी, किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। कई किसान मंडी गेट पहुंचे और चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों वाहनों के पहिए थम गए। सूचना पर पहुंचे SDM, DDA और SP ने किसानों को समझाइश दी। किसानों ने आक्रोश को देखते हुए टोकन वितरण शुरू किया। कुंडिया, मैं किसान हूँ। मैं आज ककड़े नहीं, आज कल उन्होंने ऐलान कर देना था भाई ककड़े नहीं मिलेंगे, आज हम यहाँ पे आते नहीं। अब आ गए बोले कि आज ककड़े तुमको नहीं मिलेंगे, तो मेरा तुम सुना क्यों बोले? हम 4 बजे के यहाँ पे आज चाय पानी मेल की पी और हमारे बच्चे, हम तो किसान है मेरे, हमारे ककड़े के लिए हमको ला दो। मोदी जी से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। और हमारे तो दुकान नहीं चेक किया, सरकारी कहीं करो, आज छुट्टी का गाड़ी का नहीं, आज छुट्टी होती तो कुक्का लगा कर दो तुम्हें, क्या छुट्टी है? बिना छुट्टी है तुमने छुट्टी मार दी। 2 लाख हेक्टर कपास का एरिया है और उसको 9 लाख पैकेट की आवश्यकता होती है। अभी कल दिनांक तक 3.5 लाख पैकेट जिले में आ चुके हैं, लेकिन किसानों की पर्टिकुलर वैरायटी राशि और न्यूजीविट की मांग होती है। अब राशि और न्यूजीविट में जितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के हिसाब से मेटल आ रहा है। कल हमने राशि और न्यूजीविट के जो RM थे, स्टेट मैनेजर थे, उनको इंदौर में बुला के उनसे अच्छे से बात की गई है कि जितना भी मेटल आप पास हो तत्काल, जितनी खरगोन जिले की बुकिंग हो, बुकिंग के हिसाब से मेटल तत्काल भेज दो ताकि किसान में यहाँ हल्ला ना मचे। चक्का जाम कर रहे हैं महिलाएं, बच्चे परिवार से ही काट रहे हैं। नहीं, अब वो चक्का जाम कर रहे हैं ऐसा तो वो स्थिति नहीं है। हम तो बाकायदा एक पावती में दोनों पैकेट वितरण कर रहे हैं पर्टिकुलर वैरायटी के, बाकी वैरायटियां खुली है मार्केट में, उनको जितना चाहिए उतना ले जाए। एक वैरायटी के पीछे आदमी दौड़ लगा रहा है, इसलिए समस्या आ रही है। किसानों का आरोप है सर कि डीलर जो है इसमें कालाबाजारी कर रहे हैं, महंगे दामों पर बेच रहे हैं। सर मेरे पास कई फोन आए, मैंने प्रत्येक किसान से यही कहा कि आप मुझे दुकान का नाम बताइए, डीलर का नाम बताइए, मैं उसके खिलाफ FIR कर देता हूँ, उसकी मैं लाइसेंस निरस्त कर देता हूँ मैं उसका। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस बोले जा रहे हैं लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं किसान कि मैं इस व्यापारी ने या इस डीलर ने इतना रुपया ज्यादा लिया है, तब तो कार्रवाई हो पाएगी ना। अगर माल है तो दुकान वो तो खुले कर दिए, वो तो गोडाउन हमने टीम गठित कर दी है जिला स्तरीय, वो तो अपनी जगह जा रही है, वो अपना काम कर रही है। और उनके यहाँ जितना मटेरियल आया टोटल के हम बिलिंग देखेंगे, कितना आपने प्राप्त किया है कंपनी से और कितना आपने सेल किया है और कितना बैलेंस है, ये पूरा दिखा जा रहा है। क्या नाम लिखते सर? ML चौहान, उप संचालक कृषि खरगोन। बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी सर यहाँ पर पहुंचे, कल भी लगातार यहाँ पर पहुंचे थे, आज भी बीज और टोकन दोनों नहीं दिए जा रहे सर, आप भी पहुंचे, चक्का जाम कर दिया किसानों। असल में क्या है कि इनके पास जितना सामान था उसके हिसाब से कल वितरण कर दिया था और कल इतने बोल भी दिया था कि 2 दिन बाद वहां पे अब वितरण होगा, लेकिन किसानों को सूचना नहीं हो पाई होगी। अब वो किसान लोग आज आ गए, अभी जो जो 2-3 केंद्रों पे माल इनका हैगा कृषि विभाग का, वहां के आज टोकन अभी बंटवा रहे हैं उनको, किसानों को वहां से मिलेगा। और किसानों को चूंकि यहाँ पे असुविधा होती है, धूप है, व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए कल से ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि कपास मंडी में बड़े बड़े शेड है, कपास मंडी में आराम से वहां से वितरण की व्यवस्था उनके बीजों की जाएगी। किसानों ने चक्का जाम कर रखा है सर, किसानों को वही अब समझाइश दी जा रही है, किसानों को समझाइश दी है। और आज अभी ये आ गए हैं DDA साहब, उनका ये था कि टोकन बट जाए तो टोकन बंटवाने की अभी कार्रवाई चालू कराई जा रही है। हाँ बटेगा 1500 में। क्या नहीं, दुकानों पे कहीं कोई नहीं है, जो यहाँ से जो टोकन मिलेगा उस पे अगर उससे 1 रुपए भी ज्यादा पे लेते हैं, बाकायदा किसान शिकायत करे ना भाई, आप शिकायत करो उसकी, बाकायदा FIR दर्ज होगी उसके ऊपर। हाँ तो नहीं, तो आप शिकायत करोगे तब तो मारेंगे, कोई दो ना एक आप दो बना के शिकायत। सब्सक्राइब करें JSR Times और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।